हेलो गाइस, तो फाइनली नया प्लान बन चुका है उड़ीसा जाने का। तो मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, तो पैकिंग तो हो गई लगभग। कल सुबह ट्रेन, आज 16 तारीख है और कल 17 तारीख को सुबह 10 बजे ट्रेन है पुरुषोत्तम। तो आपको पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का आपको रिव्यू भी दे दूंगा, और जो भी कुछ होगा दिखाने लायक वो दिखाऊंगा आपको। तो कल मेरे मछलियों को बाय बोलने का समय आ चुका है। अब इनके लिए वीकेंड फूड डालना पड़ेगा। इनको दो वीकेंड फूड डालने पे ये लगभग 6-7 दिन सरवाइव कर लेगा। मतलब वो पूरा खाना इसी में अपने आप बन जाता है इसका। फाइनली गाइस, सुबह हो चुकी है और मैंने इसका वीकेंड फूड डाल दिया। ये देखिए, जो इसमें बबूला निकल रहा है ना, वो इसका वीकेंड फूड है। दो ठो डाला है मैंने, एक यहाँ पर डाला है, ये जो बड़ा सा पत्थर टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, ये और एक यहाँ पे। ये उसके हफ्ते भर का खाने का काम कर जाएगा। मॉर्निंग गाइस, तो मैं सुबह उठ चुका हूँ और आपको सुबह सुबह एक बहुत बढ़िया व्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए मोर पंख कैसे फैलाती है। हमारे कॉलोनी में बहुत सारे मोर रहता है। देखिए ये पीछे मोर पंख फैलाया हुआ है, यहाँ पर देख रहे पीछे मोर पंख फैलाया हुआ है। गाइस, तो फाइनली नया ब्लॉग आ रहा है उड़ीसा का। उड़ीसा ट्रिप बनाया हूँ मैंने तो आज ही ट्रेन, आज 17 तारीख है, आज 10 बजे से ट्रेन है। हाँ, बहुत दिन हो गया ब्लॉग डाले हुए, कुछ डालने लायक था ही नहीं। मतलब घर बैठा हुआ था तो फिर क्या व्लॉग बनाता। तो फाइनली अब उड़ीसा का व्लॉग आने वाला है आज, मतलब ये आपका 18 को डल जाएगा ये व्लॉग। तो देखिए, आज फाइनली वक्त आ चुका है अब स्टेशन जाने का, टाइम हो चुका है, अब स्टेशन निकल रहे हैं हम लोग। फाइनली स्टेशन में पहुँच चुके हैं। फाइनली स्टेशन में पहुँच चुके हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे भी ट्रेन आने वाली है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब गाड़ी भर जाएगी उसके बाद ही पेमेंट करना है ना, फाइनल होने पे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है गाइस। तो फाइनली ट्रेन में लगभग 5 घंटा हो चुका है, 5-6 घंटा सफर करते हुए। अभी गर्गी नदी आया है, कोई जगह है, देख सकते हो। यहाँ बारिश वाला माहौल है, झारखंड का ऐसा है, देख सकते हो मौसम कितना बढ़िया होता है। इतना बढ़िया हवा चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के आनंद लिया जा रहा है। अंदर बैठे बैठे सर दर्द हो रहा है, ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। यहाँ देख क्या मस्त मौसम है। अब ये देखिए क्या बारिश वाला मौसम है, यहाँ एकदम मज़ा आ रहा है। ठंडा ठंडा हवा बाहर चल रहा है यहाँ पे, ये स्पेशल सीट है। फाइनली गाइस, तो 8 बज चुका है और रात का खाना आ चुका है। ये मेरे को 120 रुपये का पड़ा, ये आपको खुद से खरीदना पड़ेगा यहाँ पे आपको। गाइस, सुबह हो चुकी है, 4 बज चुका है, आज 18 तारीख है और मैं अभी वो मेसर पहुँच चुका हूँ। बस अगला स्टेशन हमारा है उतरना है, जहाँ पे 4 बज चुके हैं, ट्रेन खुल चुकी है भुवनेश्वर से। फाइनली गाइस, तो अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। पहले गाइस, तो स्टेशन पे पहुंच उतर चुके हैं यहाँ पे लोग, यहाँ का माहौल। हाँ, एक गाड़ी देखे है कि उसमें ये जो है ना, यहाँ से इस। तो फाइनली मैं उठ चुका हूँ, बहुत थक गया था तो आके तुरंत सो गया, इसलिए उस टाइम में कुछ व्लॉग नहीं पाया। देखे ये व्यू है यहाँ का, ये कोकोनट का पेड़, ये सामने गाड़ी सब फड़ी हमारी, यहाँ पर रहते हैं रेड सॉयल। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं। पीछे मेरी कार खड़ी है और ये यहाँ का व्यू आपको दिखा चुका हो। और आज कहीं अगर घूमने जाऊँगा तो आपको वहाँ का ब्लॉग मिल जाएगा कल या परसों में। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।